हाँ जी बैठ गए ट्रेन में, हम जा रहे हैं पंजाब। यार पहले ना मैंने ब्लॉग बंद कर दिए थे, अब फोन कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। कुछ ऐसे रीज़न हो गए थे जिस वजह से बंद करने पड़े। मेरी बहन जा रही है साथ, मेरी मम्मी जा रही है, हम तीन जने जा रहे हैं। आवाज़ तो तुम्हें शायद कम आ रही होगी मेरी, बाकी मैं आगे जाके दिखाता हूँ। इसने लगाया ना यार, अंदर दो रहा था गर्दन में मेरी, ये पागल है। हमारे बगल वाली आंटी आई है, हम पड़ोस की आंटी उठा लें। गाइस ये हमारे आगे टीटी भैया, हमारी मम्मी के लिए आधार कार्ड दिखा दो इन्हें। क्या दिखा दो? आधार। खाली खानदान की रजिस्ट्री ना दिखा दो भाई, मैं तो सो के जाऊंगा। पहले हमने स्लीपर सीट बुक करवानी थी, एमरजेंसी में जाना हुआ तो मिली नहीं। जाना मैंने कार से था, फिर तो कार से मेरी भाई ने, यहाँ पे पेन हो रहा था हाथ में, ट्रिप वगैरह लगी थी, अंदर नस में स्वेलिंग आ गई उसके, तो डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया ले जाने के लिए। फिर क्योंकि अपने टाउन से जो पंजाब है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो मना कर दिया घर वाले भी, फिर कह रहे नहीं। फिर एमरजेंसी में मेरे को ये वाला एसी डिब्बा मिला, मैंने कोई नहीं यार जाना तो है ही, अब क्या किया जाए। फिर मेरे थोड़ा कमर में भी दर्द था और ये भी था, मैंने कहा चलो कोई नहीं भी लगा लेते हैं। ये ना वैसे बड़ा मुलायम सा है, गोलू गोलू जैसा। सहारनपुर पहुँचूँगा तो शायद वहाँ पे मेरा कोई ख़ास मिलने आएगा, मेरा भाई, पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि रात भी बहुत हो जाएगी। जहाँ तक उम्मीद है शायद आएगा, आपसे भी मिलवाएंगे हम। और ये हम भोचू को लेके आए हैं अपने साथ। हम भोचू को कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे भूख लग रही है, हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना। पिज़्ज़ा ऑर्डर करो मम्मी, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना माता। मम्मी पापा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही। यार मेरा ना फोन चार्ज नहीं था तो यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, तो बार बार बीच में तार आ रही है और दिखाई दे रहा है कुछ बार, मुझे तो नहीं दे रहा। भाई कब पहुँचेंगे, कब उतरेंगे ट्रेन से? हैं लगा, उधर भूख लग रही है, रोटी खा लूँ। मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, पिज़्ज़ा नहीं आया। भाई को फ़ोन करते हैं, भाई ले आएगा पिज़्ज़ा, 1 बजे मंगवाएंगे रात को। ये देख सकते हैं आप, किसी ने मेट्रो आ गया, क्या बंद हो गया इन्होंने, भाई ने और रिंग फिट वाले कंप्लेन कर दी। बंदे बैठे हैं कोने में अपने भाई हो गया, बट ये है ना कोई अपनी फैमिली के साथ होता है। भाई अगर कोई अपनी फैमिली के साथ होता तो किसी को ऐसे बिहेव मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। वो बंदा अपनी सीट पर जाके बैठा था, किसी ने मिसबिहेव कर दिया, देन उसने पुलिस को सीधा फ़ोन कर दिया। यहाँ पे जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट होते हैं रेलवे के, तो पुलिस आ गई है। जो अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो सीधा यही करते हैं, पुलिस को कंप्लेन, वो बहस नहीं करते। हो रही है नींद आ रही है बहुत तेज। एक तो बहन इसने साले ने पर्दे ने दुखी करा हुआ है, बार बार नीचे आ जा रहा है। ठंड लग रही है भाई, अब मैंने कहा मम्मी शीट वगैरह दे दो। सो जाऊँ यार, उठा दोगे तुम लोग? नींद आ रही है, उठना भी है,
उठ के भाई आएगा भाई से मिलने का, चलो तब मिलते हैं, तब तक सो जाए थोड़ा रेस्ट कर लें, बाय बाय निकलते हैं। भाई कैसा लगा आपको आगे सर? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? हमें तो बढ़िया लगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आ चले, बस आप जाओ, वेट कर रही है भाई ये तेरा। कोई बात नहीं, मेरा तो वेट पता नहीं कौन कौन करती है। अब आते हुए ना घर पे आना, देखो भाई तू पहले उसे लेकर आता, हम पक्का आते, उसे भी लाऊंगा, तो टेंशन है, उसे तेरे घर लाऊंगा सीधा लोटे मरवाने। डिनर पे चल ठीक है, बढ़िया ठीक हो आप? भाई ये है आलू के पराठे, टाइम हो रहा है रात के, टाइम दिखाओ, एक बज रहे हैं रात के, बटर तो पूरा मेल्ट हो गया, सैलेड ये है, पराठे ही हैं, भूख लग रही है भाई, अब मैं खा के सो जाऊंगा इसे, अब पहले खाते हैं। मोहित भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका, मज़ा आ गया रात को आठ बजे पराठे खा के, टेस्टी बहुत है, तुम्हारा प्यार था ना जो रात को देने आए थे पराठे, अब भाई मेरे को आ रही नहीं पराठे खा के, नशा हो रहा रोटी का, बटर ज़्यादा था ना उसमें, मम्मी को तो नींद आ रही है, मम्मी कह रही मेरे को सोने दो, सोने को तो ट्रेन से नीचे फेंक दिया मम्मी ने, फिर भी बगल में बैठी है। भाई अम्बाला पहुँच गए आपका, पंजाब में एंटर करते अलग वाली भाई होती है, ढाई तीन बज रहे हैं, रश देखो, बैठा नहीं जा रहा यार, बैठे बैठे ना रात दर्द होने लग गई, हम थोड़ी बाहर की फ्रेश एयर लेकर आते हैं, 10 से 15 मिनट गाड़ी का स्टॉप है, सोचा बाहर की हवा लेने, यार जो मज़ा कार का है ना मज़ा नहीं आया मेरे को इसमें, रात तो गई नींद तो ऐसे भी नहीं है, इससे बढ़िया गाड़ी खींच के ले आते हैं, बाकी देखते हैं आएगा सफ़र कैसे रहता है। भाई मम्मी और बहन तो गए सो, बच्चे अपने, मैं इसलिए नहीं सो रहा यार क्योंकि ट्रेन है और साथ में फिर मम्मी बहन भी है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, मुझे फिर नींद भी नहीं आ रही है, मैंने कहा तुम दोनों सोचो मैं जा रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही फिर क्या किया जाए, कहीं ये ना हो सब सो जाएं, तो ट्रेन आगे निकल जाए, स्टॉप से भी आके चले जाएँ, एक बार वो था मेरे साथ ऐसा, क्या करें यार नींद मारनी पड़ती है भाई, नींद मार ली, अब कल हमें होश नहीं हुआ कहाँ सो रहे हैं। भाई अब पहुँचे हम लोग, भगवान बहुत हो गई, नींद तो पूरी हुई नहीं गाड़ी के अंदर, अब निकलने की तैयारी है भाई,
जाके सो जाऊंगा भाई, मैं तो आंखें काली हुई पड़ी है, नींद बहुत तेज आ रही है। मजा आ गया मम्मी? बड़ा मजा आया है ना भाई। हम तो रूम में आ गए, गुरुद्वारे पहले मत्था टेका फिर रूम में आए। मैंने तो दवाई खाई क्योंकि मेरे को वॉमिट जैसा फील हो रहा था। अब तो मैं जा रहा हूँ सोने, आराम से उठूँगा 3-4 बजे। बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।